हैं तो थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस का, व्हेन वेक्टर एक्ट एट सम एंगल वे। अगर वेक्टर्स किसी एंगल पे हों, एंगल तो पहले भी थे, एक जीरो थे, एक कितना था 180, इसके अलावा कोई और एंगल हो तो भाई ठीक है, उसको जोड़ने के कई तरीके हैं विकलास। तो यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में हैं जो तरीके बता रहा हूँ आपको मैं, पहला तरीका है इसका, पहला तरीका भाई ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस में। पहला तरीका है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। कैसे भी स्टेटमेंट लिखिएगा एक बार, उसके बाद बताऊंगा आपको कंप्लीटली बताएंगे। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में, तो टॉपिक भी आज शुरू हुए हैं इनके, कर लोगे। तो ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है भाई, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ट्रायंगल में कितना साइड होता है, पक्का है? तो दो साइड ना रिप्रेजेंट करेंगे दो वेक्टर्स को भी, और थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी उनके रिजल्टेंट को भी। दिस इज द ट्रायंगल्स लॉ, सिंपल कर लोगे। लिख लीजिए इट स्टेट दैट STAT, इट स्टेट दैट टू साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, थर्ड साइड रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बट इन द अपोजिट ऑर्डर। ओके, दोबारा सुनिएगा, मैंने लिखवाया है टू साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर, एंड थर्ड साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बट इन द अपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एडिशंस करने की कंडीशंस क्या है, कि वेक्टर किस में होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए, यस और नो? और रिजल्टेंट वैसा कहाँ मिलेगा आपको, अपोजिट ऑर्डर में मिलेगा। ऑर्डर का मीनिंग क्या था, क्या मतलब था ऑर्डर का भी? अगर उसका एक का हेड दूसरे के टेल पे लगता तो क्या बोलते हैं इसको, सेम ऑर्डर में है। अगर दो हेड स्ट्राइक कर रहे हैं तो अपोजिट ऑर्डर में है, यस और नो? तो इसके अकॉर्डिंग भी एक ट्रायंगल की एक साइड या दो साइड रिप्रेजेंट करेंगी दो वेक्टर्स को भी, बट इन द सेम ऑर्डर भी, यस और नो? सही है। देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर बट इन द अपोजिट ऑर्डर भी, दिस इज द ट्रायंगल्स लॉ भी, डायग्राम बनाइएगा। सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। यस भी नींद आ रही है, और मुंह पढ़ने लग रहा, नींद लग रही है, और क्या ऑल आउट बना हुआ है मच्छर खाने के लिए, खाता ना ऑल आउट मशीन खाती है, सब ऐड आती है, अभी आती है क्या ऐड, अब आती नहीं है ना मच्छरों उस तरफ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस क्लास सेकंड पॉइंट है, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम भी, जिसके अपोजिट साइड क्या हूँ पैरेलल हो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम भी। तो लिख लीजिए पैरेललोग्राम क्या बोलता है, कितने साइड होते हैं पैरेललोग्राम की, चार, पक्का है? लिख लीजिए अभी, लिखो इट स्टेट दैट टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर, ओके। देन डायगनल रिप्रेजेंट द डायगनल, देन डायगनल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायगनल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इन द अपोजिट ऑर्डर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इन द अपोजिट ऑर्डर। अब देखो विक्लास, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि जो इनके बीच में जो एंगल बन जाए भी, किस जीरो और 180 के अलावा भी, जीरो पे होंगे डायरेक्शंस वही होगी दोनों की है, यस आर नो? 180 भी होंगे तो डायरेक्शंस किसकी यूज करते हैं हम लोग जो बड़ा है भाई, प्रॉब्लम किसका है? इसके अलावा कोई और एंगल हो तो भाई, हो सकता है कि वैक्टर ऐसे हों, एक वैक्टर ये हो और एक वैक्टर ये हो, ये वैक्टर ए है, ये वैक्टर क्या मान लेते हैं बी, क्वेश्चन जोड़ने की कंडीशंस क्या है? वो तो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, क्या सेम ऑर्डर में है? हैं? सेम ऑर्डर में है? क्या हेड को टेल टच कर रही है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन जोड़ने तो यही पढ़ने हैं, एंगल दिन में बना रहे हैं, जोड़ना दिन को ही पढ़ सकता है, तो क्या करेंगे? इस वेक्टर के यहाँ पे एक वेक्टर खींच लेते हैं साइड में, तो ऐसा होगा ये भी ए होना चाहिए, वही होगा, उसी तरह का है, यस आर नो? इसके बिल्कुल पैरेलल में एक वेक्टर खींच लेता हूँ, ये बी है तो ये भी होना चाहिए, यस आर नो? क्या ए और बी सेम ऑर्डर में? क्या बी और ए सेम ऑर्डर में? तो डायगनल क्या देगा इनका? रिजल्टेंट। क्या आर अपोजिट ऑर्डर में है? बता दो, दोनों के अकॉर्डिंग, इसके भी और इसके भी, सही है कि नहीं है? दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पॉलीगन्स के लिए एन साइड के लिए भी मिनिमम 3 कर लोगे तो लिख लीजिए क्या है। इट स्टेट दैट द ओपन साइड्स ऑफ पॉलीगन, इट स्टेट दैट द ओपन साइड ऑफ पॉलीगन्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर कितने बन गए सारे एन के लिए बना लेते हैं, कर लोगे? देन क्लोज साइड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बट इन द अपोजिट ऑर्डर। जोड़ने की साइड का ऑर्डर सेम होना चाहिए विक्लास, यह कंडीशन है जोड़ने का भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? और रिजल्टेंट का क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए भी, ओके? कैसे? एक वेक्टर ये है भाई, एक वेक्टर ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे, मैंने क्या बोला है? ओपन साइड ऑफ द पॉलीगन्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर्स, ओके, इन द सेम ऑर्डर, क्या सेम ऑर्डर सेम इनका सभी का? देन क्लोज साइड, ये ओपन साइड है सारी, अब तक क्लोज नहीं हुआ कुछ भी, क्लोज साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट भी बट इन द अपोजिट ऑर्डर भी, क्या ऑर्डर अपोजिट है? आर बराबर क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर भी, यस सर नो? दिस इज द पॉलीगन्स लॉ, सिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। दोबारा लिखो, जितनी बार लिखो उतनी बार याद होंगे अच्छे से, मेरे क्या फर्क पड़ता। दोबारा लिखो, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है लिखो। इट स्टेट दैट, लिखो, इट स्टेट दैट टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट स्टेट दैट टू साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट, टू साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वैक्टर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वैक्टर्स इन द सेम ऑर्डर, ये जरूरी है अभी, ओके, इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड रिप्रेजेंट द, थर्ड साइड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, थर्ड साइड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। एक वेक्टर ही है अभी, एक वेक्टर ही है, और ये इनका क्या है, रिजल्टेंट। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर आर है भाई। आर क्या था? रिजल्टेंट भी, ओके। क्वेश्चन ये है भाई, क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ आर, कर लोगे? तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इस साइड को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ भाई, इस साइड को ऐसे कर लोगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, दो इस लाइन की क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, यस आर नो? नाम दे देते हैं भाई x, y, z, ये m ले लूँ, ये कुछ एंगल बना रहा है भाई, इट इज एंगल थीटा। मैं बोला कि वेक्टर एंगल बनाएंगे आपस में भी, कर लोगे, कितना बना रहा है, थीटा एंगल्स पे। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एंड व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ r, डायग्राम बनाओ। निकालना क्या है, निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r, निकालना है व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ r, r ही मैंने, और क्या है, ए और बी का जोड़ है अभी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ए बी को जोड़ूंगा तो क्या आंसर आएगा, ये निकालना हमको। पहला निकालना अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो लेंगे क्या होती है मैग्नीट्यूड की, यही होती है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर, वैल्यू निकालना भी आर का भी। उसको, उसके लिए मैं ट्रायंगल चीज को लेता हूँ, इन द ट्रायंगल कौन सी है भाई, एक्स वाई एक्स जेड एम भी, एक्स जेड एम, दिख रही है ट्रायंगल आप लोगों को, एक्स जेड एम भी, यस सर ना, दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पक्का है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो? Yes, अगर यूज करोगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स जेड का स्क्वायर बराबर है किसके भी, एक्स एम का स्क्वायर प्लस एम जेड का स्क्वायर भी, यस सर नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फर्स्ट इक्वेशन मान सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी, सही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एम भी, एक्स एम क्या है भी, इस ट्रायंगल से भी, एक्स एम है एक्स वाई प्लस वाई एम भी, एक्स वाई प्लस वाई एम, यस आर नो? क्या आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, कितना वैल्यू है, ए इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड्स पे, क्या आपको पता है वैल्यू ऑफ वाई एम भी, वाई एम पता ही नहीं है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम जेड, हमको तो बी पता है, ये वाला, ये पता ही नहीं है क्या है,
यस और नो? अब इनको निकालना पड़ेगा आपको भी, कर लोगे? इस्ट मैं दोबारा से ट्रायंगल्स यूज करता हूँ, इन द ट्रायंगल्स भी वाई जेड एम बी, दिख रही है ट्रायंगल आप लोगों को? इन द ट्रायंगल वाई जेड एम बी, वाई जेड एम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकाला जा सकता है? जेड एम का वैल्यू कितना हो गया? ये एम जेड जो भी है कितना आएगा भाई? वाई जेड साइन थीटा, ये सर ना वाई जेड साइन थीटा। व्हाट द वैल्यू ऑफ वाई जेड भी फ्रॉम द डायग्राम भी? वाई जेड क्या है? बी है भी। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ जेड एम भी? इट इज बी साइन थीटा भी। समझ में आया? तो एम जेड या सॉरी जेड एम एक ही बात है भाई, कर लोगे? क्या आ गया वैल्यू उसका? बी साइन थीटा भी कर लोगे? इसी ट्रायंगल से क्या आप कोस निकाल सकते हो? कोस थीटा भी, सेम ट्रायंगल से भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा? लास्ट वाइज भी देख ले, बच्चों घूम के एक बार, कोई बैठा तो नहीं है? हैं अभी नहीं आएगा, मैग्नेट निकाल रहे हैं, डायरेक्शन में निकालेंगे वेक्टर तो साथ में। कोस क्या होता है अभी पता है? कोस बी बाई एच, इसमें क्या है भाई? बी ट्रायंगल देख, वाई एम क्या है? डिवाइड बाई वाई जेड, सही लिखा है? तो व्हाट द वैल्यू ऑफ वाई एम भी? वाई एम कितना है? वाई जेड कोस थीटा। व्हाट द वैल्यू ऑफ वाई जेड? बी कोस थीटा भी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एम भी? एक्स एम का वैल्यू कितना होगा बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? एक्स वाई कितना है? ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एम भी? वाई एम कितना है? बी कोस थीटा, यस और नो? क्या आप इस इक्वेशंस को फर्स्ट में रख सकते हो सारे को? पुट इन द फर्स्ट भी, फर्स्ट में रखिएगा। फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई सॉरी एक्स जेड भी? एक्स जेड क्या है ट्रायंगल के हिसाब से? आर अभी, तो ये आर का स्क्वायर हो गया, यस और नो? इज इक्वल टू एक्स एम कितना है अभी? ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर कर दूं, ऊपर स्क्वायर है। व्हाट इज एम जेड भी? जरा कहाँ गया एम जेड? कहाँ है? बी साइन थीटा का स्क्वायर, सही है कि नहीं है? यहाँ तक राइट कर लिया, रब करते हैं ऊपर वाला। तो क्या आंसर आता है भाई? आर स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी कोस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये हमारा आंसर था अभी, यस सर ना? स्क्वायर ओपन करना आता है स्क्वायर भी? तो आर स्क्वायर बराबर है, इसका स्क्वायर ओपन कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओपन करना आता है सभी को स्क्वायर भी? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यस सर ना? मैंने वही किया यहाँ पे भी, कर पाओगे? आर स्क्वायर बराबर है भाई ए स्क्वायर, इसमें भी देखिए बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा में और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में कॉमन क्या रहा है? तो क्या बचा अंदर भी? को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा, सही लिखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भाई? ये वन होता है भाई, एक फार्मूला है हमारा, टेंथ क्लास में यूज किया हम लोगों ने। तो आर स्क्वायर बराबर कितना है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा भाई, यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भाई? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी क्लास। किसका ये मैग्नीट्यूड है? किसका? रिजल्टेंट का। इतना आसान नहीं है जोड़ना वेक्टर्स को, इतना मुझको लगता है कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होगा भी, ऐसा नहीं होगा भी, यहाँ पे तो होगा नहीं। और डायरेक्शन ऑफ आर,
डायरेक्शन ऑफ आर वी, आर का डायरेक्शन निकालना। क्लस इस ट्रेंगल से वो कौन सी चीज़ जो बता रही है आपको कि डायरेक्शन आर का ये हो सकती है। आर कहाँ पे होगा? आर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। क्या बता रहा है आपको ये बात? ये एंगल बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एंगल कितना होगा उसके हिसाब से डायरेक्शन होगी भी। यस और नो? इस तरफ होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कहाँ पे होगा भाई? कौन सा राय बात ये एंगल बता रहा है। अगर आप एंगल निकाल पाओ तो आंसर हो जाएगा मेरा भी। आपको बोल दिया कि मेरा एंगल 45 डिग्री पे है भाई, यानी 45 पे क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट मिलेगा उसका भी, आर का भी डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? इस एंगल को नाम देते हैं कुछ, अल्फा दे देते हैं। सीधी सी बात, मेरे को अल्फा निकालना भाई। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर अल्फा निकाल दिया तो डायरेक्शन आ गई भाई, कर पाओगे? और एंगल निकालने का तरीका क्या है भाई? अगर एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रखे हो तो आर्क में दे रखे हो तो क्या होता है एंगल निकालने का तरीका? लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस भी, एल बाई आर, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। या अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे तो हम कोशिश करते हैं टेंजेंट निकालने की भी। टेंजेंट से निकलता है एंगल में सब। यस और नो? क्या इस ट्रायंगल से भी, इन द ट्रायंगल एक्स जेड एम भी, यही है ना, इन द ट्रायंगल एक्स जेड एम, क्या आप निकाल पाओगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा भी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा कितना आएगा भाई? परपेंडिकुलर बाई बेस जेड एम बाई एक्स एम भी, जेड एम बाई व्हाट इज एक्स एम भी, एक्स वाई प्लस वाई एम लिख सकता हूँ, एक्स वाई प्लस ए वाई एम। ये बात सही है कि नहीं है? हमने सारी वैल्यू निकाली जा चुकी हैं अभी, जेड एम भी निकाल लिया था, एक्स वाई पता हमको और वाई एम भी पता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा भी क्लास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एम भी? अब की निकाली गई है, देख लीजिए, बी साइन थीटा था, बी साइन थीटा डिवाइड बाई वाई एम क्या है, ए है भी, प्लस वाई सॉरी एक्स वाई क्या है, ए, और वाई एम क्या था अभी क्लास देखो, बी कोस थीटा भी। यस और नो? अगर आपको एंगल पता है कि दो वेक्टर किस एंगल पे हैं, थीटा पता है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो व्हाट इज द वैल्यू डायरेक्शन ऑफ आर वी, कर पाओगे? अगर आपको अल्फा पता लग गया तो पता जाएगा कि ये जो आर है ये 45 पे है, 35 पे है, 31 पे, जो भी एंगल बनाएगा भाई। यस और नो? समझ में आया थोड़ा बहुत? कर पाओगे? ट्रायंगल ला कंप्लीट हुए क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी। स्टेटमेंट लिखिए, पहले लिखवा जा चुके स्टेटमेंट लिखो, एक बार लिखो, टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर इन द सेम ऑर्डर। ओके, देन डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन द अपोजिट ऑर्डर, इन द अपोजिट ऑर्डर। ओके, ठीक है, तो देखिएगा, अगर हमारे पास दो वेक्टर हों भाई, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर मान लेते हैं, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। देखो ये वेक्टर सेम ऑर्डर में नहीं है भाई, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाता हूँ मैं, ये ए होगा सेम मैग्नीट्यूड का भी, इसके पैरेलल वेक्टर बनता है, ये कौन सा है बी वेक्टर, ये क्या इनका डायगोनल मान लेते हैं, डायगोनल क्या देगा भाई, डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इट इज आर वे। ओके, ये जो वेक्टर है इसको नाम दे देते हैं, इट इज ए बी सी डी, यहाँ से लाइन ड्रा करता हूँ एक परपेंडिकुलर लाइन भी, इसको आगे बढ़ाता हूँ इस लाइन को, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, ये एंगल कितना अभी
वेक्टर के बीच के एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। कर लोगे, इस पॉइंट को मैं एम मान लेता हूँ, ये आपका डी पॉइंट है। मेरे को आर का वैल्यू निकालना है और आर का डायरेक्शंस निकालना है अभी, तो इसके लिए क्या करते हैं, लिखिए पहला पॉइंट इसमें जो है फोर मैग्नीट्यूड भी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर, तो आर के लिए हम यूज करते हैं इन द ट्रायंगल्स भी ए ए सी एम, इन द ट्रायंगल ए सी एम भी, दिस ट्रायंगल, ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी। क्या लिखोगे, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके भाई, ए एम स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर, सही है, एम सी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखिएगा जो ए एम का वैल्यू है भी वो किसके बराबर है, ए डी, स्मॉल यूज करूँगा सारे में, ए डी प्लस डी एम के बराबर, ए डी प्लस ए डी एम पूरा भी, ए एम इज इक्वल टू, कर लोगे। अब मेरे को पता नहीं है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम सी भी, इसको निकालने के लिए ट्रायंगल्स यूज करता हूँ भी, इन द ट्रायंगल सी डी एम भी, सी डी एम दिस ट्रायंगल भी, इस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा भी, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई डी सी, डी सी क्या है, एच, बी बाई एच, ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एम भी, डी सी की वैल्यू कितनी है भाई, वैल्यू पूछ रहा हूँ, इट इज बी, तो क्या आएगा, बी कोस थीटा, डी एम का वैल्यू कितना आया, बी कोस थीटा, समझ में आया भाई। इसी ट्रायंगल से क्या आप साइन निकाल सकते हो, साइन थीटा बराबर है, साइन क्या होता है, पी बाई एच भी, पी क्या है इसमें, सी एम परपेंडिकुलर बाई डी सी, सी एम निकालना होता भाई, डी सी का वैल्यू कितना है, डी सी का वैल्यू पूछ रहा हूँ, बी साइन थीटा, यहाँ पे आएगा तो बी साइन ए थीटा। इस हिसाब से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एम भी, ए एम का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा ए एम का वैल्यू, ए एम बराबर है ए डी कितना है भी, ट्रायंगल से भी ए डी ए के बराबर है प्लस डी एम, डी एम कितना था, बी कोस थीटा भी। इसको इसमें रख दें इक्वेशन में भी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें, पुट इन द फर्स्ट भी, फर्स्ट में रख देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी क्लास फ्रॉम द डायग्राम भी, ए सी वैल्यू पूछ रहा हूँ, आर स्क्वेयर हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी सॉरी ए एम स्क्वेयर भी, ए एम का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वेयर प्लस एम सी कितना है भी, एम सी कहाँ पे, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वेयर भी, सही है, यस सर ना, कर लोगे, रब कर दें इतना भी, तो आर स्क्वेयर बराबर कितना आएगा अभी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा भी, सही लिखा है, तो देखो भी क्लास आर स्क्वेयर बराबर है ए स्क्वेयर, इसमें से और इसमें से बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, अभी निकाल लेते हैं बाहर, क्या बचेगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा, एनी प्रॉब्लम भी, टू ए बी कोस थीटा, तो जो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा है वो कितने होते हैं, वन, तो कैसे लिखोगे इसको, आर स्क्वेयर बराबर है भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टू ए बी कॉस थीटा, सही है, अगर आर की वैल्यू निकाल ली हो तो अंडर द रूट
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा, अंडर द रूट हो गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स आर वी। एनी प्रॉब्लम भाई? सेम टॉपिक है पहले वाला, डायरेक्शन ऑफ आर के लिए करते हैं अभी। डायरेक्शन ऑफ आर वी, आर का डायरेक्शन कौन बताएगा इस ट्रायंगल से भी कि आपका आर कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये एंगल बताएगा अभी। इसको बीटा मान ले क्या आप बीटा निकाल सकते हो भी? मैं ट्रायंगल्स यूज कर लेता हूँ अगेन, ए सी एम बी में टेंजेंट बीटा बराबर है किसके भी? क्या आएगा? सी एम बाई ए एम बी, सही है, सी एम बाई ए एम, और वैल्यू हम निकाली जा चुकी हैं सारी भी। सी एम बराबर है, इसको ऐसे ले सकते हैं ए एम को ए डी प्लस डी एम बी, सब कुछ निकाल लिया हम लोगों ने, सारी वैल्यू हमारे पास हैं भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एम भी? बी साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी? ए प्लस बी कोस थीटा, यस सर नो? दिस इज द आंसर भी। ओके, कर पाओगे? अब इसके आगे करते हैं, इसका केस बना लें भी। केस देखिए क्या बन सकता है। केस फर्स्ट, अगर थीटा जीरो हो जाए भी, अगर थीटा जीरो हो जाए मतलब क्या इस बात का? थीटा किसके बीच का एंगल है भी? ए और बी के बीच का भी, पता आपको? ये ए है, ये बी है, इनके बीच का एंगल यहाँ पर निकाला गया है। अगर ये जीरो हो गया तो मतलब क्या इस बात का? यस और नो? तो आर कहाँ पे हो? डायरेक्शन ऑफ आर क्या होंगी? निकालो। टेंजेंट बीटा बराबर है बी साइन जीरो ए प्लस बी कॉस जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन जीरो? जीरो होती है। जीरो इंटू समथिंग जीरो, यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट बीटा भी? जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? जीरो। कहाँ पे बीटा टेंजेंट जीरो कहाँ पे होता है? जीरो पे ही होता है भाई, पता है कि नहीं पता? टेंजेंट जीरो कहाँ पे होता है? जीरो पे ही होता है। तो कितना एंगल बनेगा? जीरो एंगल कहाँ पे होता है? आर का जीरो एंगल कहाँ बनाएगा? वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मैंने पहले केस में यही किया था भाई, जब एंगल जीरो था उसी डायरेक्शन में क्या आ रहा था? आर भी आ रहा था। समझ में आया थोड़ा बहुत है? नहीं आ रहा अभी? आ रहा है? अगर थीटा हो 90 डिग्री तो क्या करोगे? रब कर दें। सेकंड पॉइंट भी, अगर थीटा हो 90 डिग्री भी मतलब क्या इस बात का? केस टू, थीटा 90 डिग्री पे हो मतलब क्या है भाई? एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, ऐसे कर लोगे तो आर कहाँ पे होगा उनका भी? किस एंगल पे होगा भी? निकालो। टेंजेंट बीटा बराबर है, कैसे लिखोगे? बी साइन 90 बाई ए प्लस बी कोस 90, सही लिखा है मैंने? साइन 90 कोस 90, साइन 91 कोस 90, जीरो, जीरो प्लस ए हो जाएगा, वन कैसे होगा? जीरो प्लस ए। टेंजेंट बीटा बराबर क्या आंसर आया अभी? बी वाई ए, बी वाई ए। मान लेते हैं कि वेक्टर बराबर हों तो भाई, ए और बी बराबर हों, कितना आंसर आएगा? वन आएगा, यस और नो? तो टेंजेंट वन कहाँ पे होता है अभी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? 45 डिग्री भी। एक्चुअल एंगल कितना आएगा? 45 का आएगा भी। कर लोगे? आपको 45 पे क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा भी। कर पाओगे? इस तरीके से कोई भी एंगल किसी भी एंगल पे हो सकता है अभी, तो आप इजीली निकल पाओगे, हो जाएगा भी। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस भी। एनी प्रॉब्लम भाई? टॉपिक कंप्लीट।